पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी छोड़ने वाले पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रॉय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि रॉय का एक्सपीरियंस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह और पा बंगाल प्रभारी कैशाल विजयवर्गीय भी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद रहे। बता दें कि मुकुल रॉय ने 11 अक्टूबर को टीएमसी से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इसके पहले ममता बनर्जी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। ममता के करीबी रहे हैं रॉय। मुकुल रॉय कुछ साल पहले तक ममता बनर्जी के काफी करीबी और भरोसेमंद थे। उन्हें पश्चिम बंगाल में पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता था। वह पश्चिम बंगाल से टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे। यूपीए सरकार में ममता बनर्जी के रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने के रॉय ने 2012 में 6 महीने के लिए रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। इसके बाद दिनेश त्रिवेदी ने उनकी जगह ली। रॉय का जन्म 17 अप्रैल 1954 को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कंचनपाड़ा में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद छोड़ी थी पार्टी। टीएमसी में बगावत करने के बाद रॉय नवरात्रि दुर्गा पूजा के वक्त कैलाश विजयवर्गीय से मिले थे। तब कैलाश ने कहा था कि रॉय ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों, YouTube ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं आने वाले वीडियो को देखने के लिए। तो आइए, चलिए देखते हैं आज का वीडियो।